बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूं बर्ड लाइफ एंड ब्रीडिंग टिप्स में। आज हम बात करेंगे कि हम लवबर्ड फिशर के बेबी को कैसे हम हैंड फिट करा सकते हैं। लवबर्ड्स हों, फिशर हों, कॉकटेल हों, रिंगनेक हों, ग्रे पैरेट हों, किसी भी परिंदे को आप आसानी से हैंड फिट करा सकते हैं। हैंड फीडिंग के लिए आपको चाहिए फेरी लेग, या तो आप हैंड फीड ले लें, एग्जैक्ट की मिल जाती है बनी बनाई, वो ले लें आप, उसको आप दे सकते हैं, या फिर आप सीरी लेग भी ले लें, सीरी लेग से भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए सिरिंज, जो कि आपको मेडिकल से आसानी से मिल जाएगी, और इसकी आपने नीडल हटा देनी है। और आपको ये लेना है वॉल, ये साइकिल वाले के पास से आपको वॉल मिल जाएगा, रबड़ का वॉल है, बहुत नरम होता है, इसको आप जैसे मर्जी मोड़ लें, इसको कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ये टूटता है। इस तरह का आपने ये वॉल ले लेना है, और ज़रा लंबा वॉल लेना है, तकरीबन कम से कम इतना बड़ा हो, ये आपको 10 रुपये का आसानी से मिल जाएगा इतना बड़ा वॉल। ये आप ले कर इसकी नीडल की जगह आप ये वॉल चढ़ा दें, जिससे ये आसानी से फीड कर सकते हैं। ये देखें आप, ये अभी से खाना मांग रहा है, अभी खाना तैयार होगा इसका तो आपको इसको मिलेगा, लेकिन ये अभी से फीड मांग रहा है कि मुझे फीड करा दो। ये देखें, ये भी इसको आदत हो गई है, 2 दिन से इसको हैंड फीड करा रहा हूँ मैं, इस वजह से इनको आदत हो गई है। शुरू में आपको 1-2 दिन थोड़ा सा मसला होगा, उसके बाद ये देखें खुद से मांगना शुरू हो जाएंगे खाना। इसके अलावा आपको चाहिए एक कटोरी, और आपको चाहिए थोड़ा सा पानी, पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए। और हैंड फीड के लिए आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा खाना नहीं खिलाना है और बहुत कम भी नहीं खिलाना है। इतने बड़े बच्चे के लिए एक सिरिंज बहुत है, एक सिरिंज से ज़्यादा नहीं देना है। और आपने इनको 3 टाइम दिन में 3 टाइम फीड करानी है, कम से कम 2 टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम। एक दफ़ा आप सुबह में करा दें, एक दफ़ा आप शाम में करा दें, और एक दफ़ा रात में। सुबह में अगर आपने 8 बजे कराई है तो आप शाम में 4 बजे तक, 5 बजे तक करा दें, और रात में आप 8-9 बजे करा दें इनको फिर, ताकि इनका सुबह तक कोटा भरा रहे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने हैंड फिट तैयार कैसे करनी है। यह आपने नाप के पानी लेना है, पानी ये गर्म होया हुआ है, 3 बच्चे हैं इसलिए इसके लिए हम 3 सिरिंज पानी लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा सिरिलेक मिलाना है, और इसको हिलाते रहना है, बहुत ज़्यादा एकदम नहीं मिला दिया, अगर थोड़ा सा मिला के आपने चेक करना है कि ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए और ज़्यादा पतला भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें। थोड़ा सा इसमें और मिलेगा, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा आप इसमें और पानी मिला सकते हैं, पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए। ओके व्यूअर्स, ये देखें इनका सिरिलेक तैयार हो गया, अच्छी तरह हमने हिला लिया इसको, अब इसको हम नीडल में भरेंगे। ये देख लें, हमने सिरिंज भर ली है, और इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हवा बिल्कुल भी ना हो, सारी हवा आपने निकाल लेनी है। थोड़ा सा आप इसको ऊपर करके जब आप थोड़ा सा दबाएंगे तो जितनी भी हवा होगी वो पाइप के ज़रिए निकल जाएगी। अब आप इसको हैंड फिट कराते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये किस तरह मांग रहे हैं, भूखे हैं हमें बच्चे। बस आपने इनके मुंह के पास लेके जाना है, इनके गले के अंदर नहीं करना है पाइप, बस ज़रा ज़रा सा आपने सबको खिला देना है, आहिस्ता आहिस्ता सिरिंज को दबाते रहना है, और ज़रा ज़रा सा आपने इनको खिलाना है। ये देखें अभी और सिरिंज बिल्कुल खाली हो गई है, इसने इतनी जल्दी आसानी से बिल्कुल आराम से खा लिया है। अब दोबारा ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप, इनका पोटा बिल्कुल खाली है अभी, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा खिलाया, इसका पोटा भी बिल्कुल खाली है। ये देखिए, इसको खिलाया तो इसका पोटे में आपको खाना नज़र आ रहा होगा, और ये अभी भी खाना और मांग रहा है।
ये आप तीसरी सिरिंज है। ये मांगते रहेंगे लेकिन आपने इनको एक सिरिंज से ज़्यादा नहीं खिलाना है, इनका पोटा पूरा भर जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि एक सिरिंज से ज़्यादा इनको नहीं खिलाना है। के मुंह आपने अच्छी तरह साफ कर देना है ताकि सिरिलेक जो होता है जब खुश्क हो जाता है तो उसके बाद जम जाता है, इस वजह से आपने इनका मुंह बिल्कुल साफ कर देना है खिलाने के बाद। ये सारा इन्होंने खा लिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है। आप नाप के बनाए ताकि ज़ाया ना हो। अब आप ये देख सकते हैं सबके पोटे भर गए हैं, इसका भी भर गया, इसका भी भर गया पोटा। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और जो नए यूज़र हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह उनको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके व्यूअर्स, अपने और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।